हाय एवरीवन, वेलकम टू सी ए फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है अग्रिका और हमारे सामने बैठे हुए हैं मानिक मित्तल, जिन्होंने जून 2023 सी ए फाउंडेशन एग्जाम्स में स्कोर किए हैं 337 मार्क्स। वेलकम मानिक, कैसे हैं भाई आप? थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया मैम। ऑल राइट, सो वी आर स्टिल कलेक्टिंग डेटा ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे क्लासेस से हमसे क्लासेस दी थी एंड दे पास्ड एंड दे फेल्ड एज वेल। नाउ आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट आई थॉट वाई नॉट शेयर दिस एज अ फर्स्ट स्टोरी, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें खास हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, नंबर वन, जैसे कि मैंने कहा कि मानिक के 337 मार्क्स आए हैं, मार्कशीट भी इनकी हम अभी आपको डिस्प्ले कर देंगे। इनके मार्क्स हैं 97 इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, क्या बात है। ऑल राइट, तो हमारे प्रीवियस बैच में मानिक, प्रीवियस टू प्रीवियस बैच में एक 95 के आसपास आया था, आप अभी तक मेरे हाइएस्ट मार्क्स वाले हो 97। देन फिर उसके बाद बिजनेस मैथ्स में इनके 86 हैं, अकाउंट्स में इनके 86 हैं, एंड लॉ में मैं डांटने वाली हूँ, बट लॉ में भी अच्छे मार्क्स हैं, 68 हैं। बहुत अच्छे नहीं है, मानिक से वी आर एक्सपेक्टिंग मोर, नाउ ही हैज 68। अच्छा, इनके में एक और गजब की बात ये है जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है बच्चों को, मानिक की ज़ुबानी सुनने की। मानिक, आपने अभी मुझसे कुछ बातें शेयर की थी, प्लीज़ बताइए कि आपने तैयारी कब से स्टार्ट की, किस मंथ से स्टार्ट की थी आपने तैयारी मानिक? मैम बेसिकली मैंने अपनी 12th के बोर्ड एग्जाम दिस ईयर लिए थे, सो मैंने फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करी थी 1st अप्रैल से, फर्स्ट नेक्स्ट डे आफ्टर माय लास्ट बोर्ड एग्जाम। ओके, दैट्स प्रिटी कूल। और हमारी जो आज की स्ट्रेटजी रहेगी, जो कि आप जूनियर्स को बताओगे, वो यही रहेगा, बच्चे 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने इतने इतनी पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, 2-2, 12 अटेम्प्ट, और बट वो कहीं ना कहीं शायद ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये टाइम कम है, बट आपने कैसे किया वही आज हम जानने वाले हैं। पहली बात तो लोड्स एंड लोड्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। अभी आप किसके साथ हो, आप किसके साथ हो, डिड यू शेयर इट विद योर फैमिली और फ्रेंड्स? यस मैम, सबको बताया, पेरेंट्स को बताया, फ्रेंड्स को बताया, सब अभी तो बहुत खुश हैं। एंड सबको ये पहले से था कि शायद पास हो भी जाएगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक फियर था, बेसिकली नए सब्जेक्ट्स होते हैं एंड ऑफ कोर्स लेवल हायर होता है एक डिफिकल्टी का, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, बट जैसे रिजल्ट देखा सो हाँ, सब बहुत खुश थे उसके बाद। बहुत अच्छा, तो जब एग्जाम देकर के आए थे तो फॉर एग्जांपल आपके 97 है इकोनॉमिक्स में, एंड देन जो भी आपके मार्क्स हैं अभी, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे 86, 68, 86 और 97, तो एक्सपेक्टेड क्या था, लाइक कहीं चांसेस थे कि नहीं यार और अच्छा हो सकता था, क्या होगा, पास होंगे फेल होंगे, या फिर इतने अच्छे एग्जाम्स देकर के आए थे तो यू समवेयर न्यू कि नहीं यार पास तो हो ही जाऊंगा, मुझे तो और एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, समथिंग लाइक दैट? तो व्हाट वाज द फीलिंग, वर यू सैटिस्फाइड विद योर यू नो परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। मैम जनरली होता है कि 50-50 होता है, बट इन माय केस आई वाज लाइक 70% पास हो जाऊंगा, बट 30% बेसिकली फियर था लॉ का मोस्ट ऑफ, क्योंकि इस बार लॉ का पेपर टफ भी आया एंड लेंथी, आई थॉट कि लेंथी है वो, तो कहीं ना कहीं मुझे लॉ का फियर था, बट आई वाज कॉन्फिडेंट अकाउंट्स एंड इको कि उसमें एग्जेम्पशन तो पक्की है। तो आप सबसे पहले तो मुझे बताओ कि मतलब आप हमेशा से हमसे पढ़ रहे हो, सिंस व्हेन यू आर कनेक्टेड विद अस, ऑल ऑफ दैट? मैम मैंने आपके कोर्स में एनरोल बेसिकली नॉर्मल सेमेस्टर में किया था लास्ट ईयर, बट एट द टाइम मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे एंड बोर्ड्स के एग्जाम्स वगैरह आने वाले थे, सो आई डिड नॉट अटेंड एनी लेक्चर्स। ओके, आई स्टार्टेड माय लेक्चर्स फ्रॉम 1st अप्रैल ओनली। ओके, एंड इट टुक मी अराउंड बेसिकली 2 months ऑल अराउंड टू कंप्लीट द होल सिलेबस एंड देन द रेस्ट 20-15 days फॉर द रिवीजन। वाओ, ठीक है, ग्रेट। तो इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली क्या स्ट्रेटजी थी, इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली हमसे क्या मदद मिली, आपने क्या चीज़ें और एड ऑन की अदर देन जो भी चीज़ें आपने हमसे सीखा एट्सेट्रा, वो एक कवरेज बताओ इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर कि मेरा तो एक स्लोगन है कि 90+ in 2 subjects, वो आपने भी सुना ही होगा, 90+, तो वो वहाँ से शुरुआत करो यार मानिक, कि कैसे क्या रहा everything about economics, कि बच्चे को आप ही के जैसे marks लेकर के आने इतने कम time में, तो उसे क्या करना चाहिए? मैम जैसे आप कहते हैं 90+ in 2 subjects, of course तो follow करना था, and सबका होता है कि accounts and eco is the 90+ thing, so मेरा भी वही same था, but 86 आया accounts में, but that's fine. Eco मैम probably मेरा ये था कि मेरा it was on theory, practical part उसमें कम है, some 1 or 2 chapters only, so मेरा ये था कि मैं खुद पढ़ूं और आपके lectures देखूंगा तो मुझे क्लियर होता जाएगा। सो मैं आपके लेक्चर्स 2-3 लेक्चर देखता था एक दिन में ही, इको के भी, क्योंकि जल्दी मुझे ग्रास्प भी होते थे और आप जिस वे में पढ़ाते थे, आपने नोट्स दिए हमें, फास्ट ट्रैक नोट्स दिए, एवरीथिंग, इट वाज अ कंप्लीट पैकेज, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं इको में। एंड जो याद करने का पार्ट था वो ऑफकोर्स मुझे खुद ही करना है, आपने समझाया
मैंने उसको याद कर लिया. एंड एग्जाम में जब बेसिकली 2 वीक्स रहते थे तब आपके फास्ट ट्रैक की वीडियोस भी थे, आपके मैराथॉन्स एंड आपके नोट्स. मेरे पास उस नोट्स का प्रिंट आउट अभी भी रखा है, वो बहुत हेल्पफुल रहा एग्जाम के टाइम. मैंने उन्हीं को रेफर किया था कि बुक्स रेफर करने का एग्जाम के टाइम ये टाइम नहीं होता किसी के पास. हम एक दिन में वो 2 बुक्स नहीं रेफर कर सकते, सो दोस नोट्स ओनली हेल्प अस एट दैट टाइम. तो वो मेरा स्ट्रेटजी थी कि मैं फटाफट पहले सिलेबस खत्म करूं एंड देन जितनी बार हो सके उसको रिवाइज करूं ताकि कॉन्सेप्ट मुझे रिटेन रहेगा एग्जाम के टाइम. एंड वही हुआ एग्जाम में. या आई थिंक मानिक दैट्स दी की मतलब बच्चे इतना इजी है ये चीज समझना बट बच्चे उसको छोड़ दे इम्प्लीमेंट नहीं करते कि 90+ in 2 subjects का टारगेट होना जिससे कि आपके जो कम बेकार सब्जेक्ट्स भी हो वो मैंने कहा था ना कि वो काउंटर हो जाएंगे. वैसे आपने तो हर में आपने 60+ ही स्कोर किया, 65+ ही स्कोर किया सब में, तो वो चीज़ है. दूसरी एक जो अपना कंसेप्ट चलता है वो ये है कि एग्जाम के पहले मल्टीपल रिविजन दैट टू नॉट फ्रॉम बुक्स राइट फ्रॉम समथिंग एज कंसाइज एज मे बी आवर नोट्स और अ स्टूडेंट्स सेल्फ नोट्स. ठीक है, तो ये दो चीज़ें बच्चों आप माने से सीख सकते हो कि कितने कम टाइम में भी इतने सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने कैसे हैंडल किए हैं. एज ही सेट कि रिविजन नोट्स से इनको चीज़ें करनी थी और इनके माइंड में 2 90+ के टारगेट्स जो है श्योर थे और इन्होंने वो ले भी आए. 90+ बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या बोल रही हैं वीडियोज़ में, इम्प्रैक्टिकल है. भाई 97 इकोनॉमिक्स के आए हैं बच्चे में एंड 86 आ गए हैं विच इज़ क्लोज टू 90 अकाउंट्स में. तो इट एक्चुअली वर्क्स एंड येस ही इज़ राइट कि अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स इज अ प्लस पॉइंट, इट्स अ प्लस गेम फॉर एवरी स्टूडेंट टू गेट 90+. मैथमेटिक्स भी होता है मानिक, आई गेस आप मैथ साइड से थे या फिर आप अकाउंट साइड से थे अपने 12th में? मैम मेरे पास 11th 12th में कॉमर्स विद मैथ्स था. ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज था कि मेरा मैथ से एक कनेक्शन था. ठीक है, कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ. सो मुझे कंपैरेटिवली आई वुड से कि जिसके मैथ्स होता है 11th 12th में उसको कंपैरेटिवली लेस अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसको प्रॉब्लम कम होगी. इट वाज इन माय केस ओनली कि मुझे एक्चुअली आई लाइक मैथ्स सो मच अकाउंट्स के, तो मुझे मैथ्स ही पसंद था. सो मैंने मैथ्स को भी उतना ही टाइम दिया, रिविजन्स करे, आरटीपी करे, एमटीपी करे, मुझे मजा आता था, समझ आते गया एंड इट ऑल्सो वेंट स्मूथली. मुझे मैथ्स का भी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि मैं पास होऊंगा या नहीं, पता था कि हाँ पास हो जाऊंगा. राइट, तो यहाँ पे बच्चे डिमोटिवेट ना हो तो मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि लेट्स सपोज मानिक मैथ साइड नहीं भी होते या फिर मानिक को इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं भी होता और 86 मार्क्स जिनके मैथ्स में आए हैं वो नहीं भी आते, फिर भी अगर ये पास भी वाले मार्क्स भी आते ना जस्ट पास, फिर भी ही वुड हैव बीन पास राइट. तो इट्स लाइक कि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं मानिक वो नॉन मैथ होते हैं तो वो कहीं डर ना जाएं. इट्स लाइक कि आप स्टिल अगर 90+ अपने कॉमर्स इको अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट्स में भी टारगेट रखते हो, मैथ्स में नहीं भी आते हैं इतने अच्छे तो भी आप पास तो हो ही राइट मानिक. यस मैम, उसमें नो डाउट आप पास सब भी हो. इफ यू कैन गॉट लाइक 91 92 इन इको ऑन अकाउंट्स तो इवन अगर मैथ्स में 50 और 60 भी आ रहे हैं दैट इज आल्सो ग्रेट. Right. You don't have to worry कि मैं पास नहीं होऊंगा, but you have to put the bare minimum effort at least. Right. You can't leave maths कि मुझे इससे डर लगता है या मुझसे नहीं होएगा, क्योंकि 40 तो हमें लाना ही है. हाँ, 40-50 तो हम ला ही सकते हैं, है ना? अगर आप भी सोचो कि अगर कोई नॉन मैथ स्टूडेंट भी है तो यार वो लॉजिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स मैथ्स के इजी चैप्टर्स कर ले तो 50 तो ले ही आएगा, है कि नहीं? Yes, ma'am. And जो मुझे लगता है मेन प्रॉब्लम होती है कि दे एम फॉर 40 ओनली, कि हम 40 करके जाएंगे और 40 ले आएंगे. आई थिंक वो नहीं होता. You have to attempt like 70 or 80 marks paper, तब जाएगा 50 marks आएंगे. Right. क्योंकि mistakes होना obvious है. Right. तभी तो हमने बार को raise पूरा हो रहा है. Right. तभी हम actually अपने बार को raise कर रहे हैं ना कि 90+ in 2 subjects, 90+ in 2 subjects. तो उसमें you leave no stone unturned. क्या 90+ करना है, target करना है. आप तो आपने तो उसको भी उड़ा दिया है ना, 97 आ गया आपका. कहीं आपने ऐसा तो नहीं कि आपने 100+ सोच लिया था. आप 97. एनीवे, तो ये थी इनकी इकोनॉमिक्स की बात. और फिर उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड अब मैं चलती हूँ अकाउंट्स के ऊपर. इतनी चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज मानिक जो है ऑलरेडी अकाउंट से ही है, क्लास 12th से अकाउंट्स से थे. मैं लेके चलती हूँ आपको मानिक की स्टोरी पे ऑफ लॉ. तो लॉ में 68 मार्क्स अच्छे मार्क्स ही होते हैं राइट. तो चलते सुनते हैं मानिक से कि क्या था लॉ की तरफ इनका अप्रोच और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मानिक लॉ के बारे में बता दो, आप बच्चों की हेल्प कर दो. श्योर मैम. सो सबसे ज्यादा एक फियर फाउंडेशन के स्टूडेंट को लॉ से ही होता है कि लॉ नेक्स्ट सब्जेक्ट है एंड ऑफ कोर्स मेरा ही वही केस था. सो मैंने कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ा जिसमें लॉ नहीं पढ़ा. ओके, आई वाज लाइक कि मैं शायद अकाउंट्स ना पढ़ू या कुछ और ना पढ़ू बट लॉ मुझे पढ़ना है क्योंकि सिलेबस वास्ट है एंड कवर करना टफ है कंपैरेटिवली. सो मैं रोज आके लेक्चर्स देखता था एंड साइड बाई साइड में नोट्स भी बनाता था उनको क्योंकि एग्जाम टाइम में ये पता चल गया था कि एग्जाम में बुक से रिविजन तो नहीं होगी. आईसीए का मैट बहुत ज्यादा वास्ट है, सो यू नीड दोस की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं.
सो आपने हमें नोट्स दिए थे, मेरे पास वो भी थे एंड मैंने सेल्फ नोट्स भी बनाए थे अपने, तो मैं रोज लॉ को पढ़ता भी था एंड रिवाइज भी करता था साइड बाई साइड, क्योंकि अगर मैं सिर्फ पढ़ता तो मुझे वो याद नहीं हो पाता. सो आई गेस दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक, कि वो सिलेबस कवर कर लेते हैं बट बाद में कुछ याद नहीं रहता. द मेन थिंग इज रिविजन, रिवाइज करना इक्वली इम्पोर्टेंट है. या कांट बी मोर ट्रू. और अब आप मुझे ये बताओ, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जो हमने राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को दिए थे, राइटिंग प्रैक्टिस के वीडियोस, वो कितने काम आया, उससे कितना दिमाग खुला और उसने कैसे हेल्प किया एग्जाम के उन 3 घंटों में? मैम मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प किया, क्योंकि जो लोगों का फॉर्मेट है, जो आईसीए को रिक्वायर्ड है कि हमें ऐसे लिखना है, वो मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी. आपने राइटिंग प्रैक्टिस आज कराए, हमने क्वेश्चन साथ में सॉल्व करे, तब समझ आया कि इस फॉर्मेट में लिखना है. एंड अगर इस फॉर्मेट से हम डाइवर्ट होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं रिस्क रहता है कि मार्क्स शायद हमारे कम हो जाए. सो एग्जाम टाइम में मैंने आपके जो राइटिंग प्रैक्टिस देखे थे, मैंने उनसे हेल्प मिली क्वेश्चन को समझने का, आया कि समझना कैसे क्वेश्चन, राइट, एक जो हमारा होराइजन होता है वो एक्सपैंड होया. राइट राइट राइट. मेरा मेन एम यही रहता है कि मैं बिल्कुल भी अपने कोर्स के बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ. मैं ये अब तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने कितने वीडियोस यूट्यूब पे भी डाल दिए राइटिंग प्रैक्टिस के, और हमारे कोर्स का पार्ट भी है. तो इट्स लाइक कि इंटरप्रेटिंग द केस स्टडी क्वेश्चंस राइट इज द की. तो लॉ में अगर आपसे बोला जाए, जैसे कि आपने कहा कि की टेक अवेज ये है माने के, कि नंबर वन डेली पढ़ते थे लॉ, है ना, लास्ट में 1 अप्रैल से स्टार्ट किया और डेली लेक्चर्स करते थे, रिविजन नोट्स खुद के बनाते थे. वैसे अगर आप लोग लेजी हैं तो रिविजन नोट्स हम आपको दे भी देते हैं. रिविजन नोट से रिवाइज करते थे, इंटरप्रिटिंग द क्वेश्चन राइट, आंसरिंग एज पर ICAI's बेंचमार्क, दैट इज वॉट मानिक सेड. और कुछ आप लॉ और BCR में बताना चाहोगे, BCR कैसे था? बिकॉज अब तो क्या है कि रेलिवेंट नहीं है, नई स्कीम आ चुकी है और BCR हट चुका है कम्प्लीटली, बट December 23 के लिए BCR भी है जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को पोक करता है. तो आपकी BCR की स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि मैं तो क्लास में हमेशा ये बोलती थी कि BCR लॉ के बाद करना, क्योंकि एक साथ 8 सब्जेक्ट्स करना पॉसिबल नहीं है. बट आपने तो एंड में ही स्टार्ट किया है, अप्रैल में जून ही था आपने पास. तो BCR ने कितना परेशान किया, कितना इजी था, क्या था BCR? मैम मैंने एंड में स्टार्ट किया एंड BCR मैंने और एंड में स्टार्ट किया. प्रॉब्लम मैंने मई के मिड में BCR स्टार्ट करा होगा, क्योंकि तब तक मुझे ये था कि ये तो इंग्लिश है, ये हम कर लेंगे. पर जब उठाया BCR तब लगा कि नहीं, ये इंग्लिश तो नहीं है, इसमें भी एफर्ट डालने पड़ेंगे. तो जब हमारा लॉ मेरा ओवर हो गया था, मैंने BCR स्टार्ट किया, उसमें मैम ये कंफर्म होता है कि कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे नोटिस राइटिंग है या प्रेसी राइटिंग, वो आने ही है. सो अगर हम उनके फॉर्मेट देख लें, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लें, सो वी गेट अ रफ आइडिया कि हमें ऐसे ऐसे लिखना है. बिकॉज लॉ में हमें याद करना है, लेकिन BCR में याद करने का मटेरियल नहीं है. अगर आपको फॉर्मेट याद है, देन यू कैन गो एन एग्जाम एंड अटेम्प्ट दैट. सो मेरा सेम स्ट्रैटेजी थी कि मैंने BCR को पढ़ा, उसको मैंने फॉर्मेट याद किए, एग्जाम्पल सॉल्व किए, एंड जब एग्जाम में बैठा था तब मैंने BCR अच्छे सॉल्व किया जितना मैं समझ पाया. And it went well actually. Okay. Law से लगता है कि BCR मुश्किल होगा या कैसे होगा, लेकिन it's very easy. But it's just that you need to give time to it also. You can't complete it the day before the exam. That's not the case. Great. Okay. तो मेरा final question ये है, वैसे तो हम आपको लेकर के आते रहेंगे, but अभी और भी question बच्चों के interviews lined up हैं. आप ज़रूर आना और हमारे साथ और shorts और इन सब पे videos पे work करना, ठीक है मानिक? अभी मैं आपसे आखिरी question ये पूछना चाहूँगी कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, एंड अगर लास्ट के 3 मंथ्स की हम बात करें तो आपने और क्या क्या किया, या फिर आपने कितने एफर्ट्स डेडिकेटेड, कितने आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स आपने लगाए? क्योंकि आप देख करके सिंसियरली लगते हो और आपके मार्क्स भी ऐसे ही बताते हैं कि आप सिंसियरली हो. तो सोशल मीडिया को लेकर के कुछ पॉइंट्स बताओ, और 3 मंथ्स में आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स पे टाइम बताओ, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू टेक गाइडेंस फ्रॉम अ मेंटर. ये इन 3 टॉपिक्स पे आप फटाफट से हमें बता दो. ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे आवर्स हैं, इफेक्टिव आवर्स में हम 8 to 10 आवर्स रहते थे, क्योंकि उसके बाद बर्नआउट सा फील होने लग जाता था कि अब हम नहीं कर पा रहे और. सो 8 to 10 आवर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता था. एंड बीच में ऑफकोर्स फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, 10-15 मिनट्स के हमने ब्रेक ले लिए, दैट वॉज सफिशियंट. क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर 3 मंथ्स मुझे एग्जाम में बैठना है सो इतने आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे. आई कॉन्ट स्टडी फॉर 2 to 3 आवर्स अ डे एंड क्लियर द एग्जाम, दैट्स नॉट पॉसिबल. सेकेंड टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, वो तो हम बिल्कुल बंद कर दिया था 3 मंथ्स पहले, क्योंकि पता था कि नहीं, सोशल मीडिया नहीं, इंस्टाग्राम एवरीथिंग बिल्कुल बंद था. एग्जाम के बाद ही उसको चलाया. एंड थर्ड मेंटरिंग पार्ट, ऑफ कोर्स वो बहुत हेल्प करता है, जैसे आपने बताया राइटिंग प्रैक्टिस बैच, उसने बहुत हेल्प करी मेरी. जो आपने 90 का रूल बताया कि 2 में 90+ लाओ, शायद मैं खुद से कभी नहीं सोच पाता कि ऐसे एम करके चलना है, बट जो आपने बताया तो मैंने अपनी स्टडीज को उस वे में प्लान किया कि इक्वाइन अकाउंट्स 90+, बाकी दोनों में 70+ करा रखते हैं, जितने आएंगे फिर देखेंगे.
सो ऑफ कोर्स मेंटरिंग बहुत हेल्प करती है, आपके मोटिवेशन सेशन भी आते रहते थे, आपने क्लास भी ली वो भी हेल्प करते थे उस टाइम में, क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फर्स्ट टाइम होता है। इफ आई टॉक अबाउट माई केस, 3 months में खत्म करके मुझे लग रहा था कि लोग ऐसे में जो दिसंबर से पढ़ रहे हैं तो उनसे हाउ विल आई कम्पीट विद देम, शायद से मेरी प्रिपरेशन नहीं होगी, उनकी ज़्यादा होगी, एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन फील होता है कि क्या मैंने उतना करा या नहीं करा। बट आपने बताया कि हाँ जितना करा है उसमें कॉन्फिडेंस रखो, मेरा ही वही था कि ठीक है जितना हो गया उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करके आएंगे। प्लानिंग इज वन थिंग, एग्जीक्यूशन अदर थिंग। प्लानिंग आपने बता दी, हमने एग्जीक्यूशन अच्छे से वहाँ करा है, दैट्स द मेन थिंग। ग्रेट ग्रेट आंसरिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप मेरे स्टूडेंट हो। दो क्वेश्चन और मेरे बीच में दिमाग में आए हैं, ऑन अ स्केल ऑफ लाइक एकदम ऑनेस्ट, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 व्हाट वुड यू रेट टू सीए फाउंडेशन क्लासेस? एंड नंबर टू इज़ कि आप बच्चे ना बहुत ही एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए कि कोई अच्छा अच्छे मार्क्स वाला स्टूडेंट है, टॉपर मार्क्स वाला स्टूडेंट है, तो उसका एक डेली शेड्यूल क्या था? तो एक रफ आइडिया आप इन दोनों सवालों का दे दो एंड दैट विल बी अ वाइंड अप। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिंग तो मैं 10 का स्केल बहुत कम हो गया, मैं तो 11 12 100 से दे दूं, बट ऑफ कोर्स इट वाज 10 आउट ऑफ 10 टू बी ऑनेस्ट। एंड सेकंड अबाउट शेड्यूलिंग, मैम इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको 8 टाइम्स प्रोडक्टिव लगाने हैं सो आपको अपना जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर एनालाइज दोज एरियाज कि हाँ मेरा सोशल मीडिया में या कहीं पर भी मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, यू हैव टू मिनिमाइज दैट। सबके पास दिन में 24 आवर्स ही हैं, यू डोंट हैव 30, आई डोंट हैव 40, नथिंग लाइक दैट। हम उसको कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। आई कैन गिव माई शेड्यूल बट वो किसी को हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सबका शेड्यूल सबकी कंडीशन अलग अलग होती हैं। शायद कोई सुबह देर से उठता है, कोई रात को देर पड़ता है, सो दैट ऑल डिपेंड्स। बट हाँ इफ यू हैव समथिंग लाइक कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 10 to 12 स्टडी करनी है इफेक्टिव, आप उसका शेड्यूल बनाइए। यू कैन ट्राई फॉर 1 week, इफ इट इज वर्किंग आउट वेल एंड गुड, इफ इट इज नॉट यू कैन चेंज इट अ लिटिल बिट। राइट, तो सो मतलब दैट्स ऑल। की टेक अवे आपका ये है कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, और आप पहले अपना टारगेट सेट करो कि नहीं, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ माई सेल्फ। कभी अचानक से 20 घंटा मत बोल दो, आप 10 घंटे बोलो, 8 से 10 घंटे, और उसमें फिगर आउट करो कि आपके वो ग्रे एरियाज कहाँ हैं जहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर देते हो। उसको डिलीट करने की कोशिश करो। ये आपने करेक्ट हमें मैम, जैसे मेरे बताया। केस में सोशल मीडिया ऑफकोर्स सिर्फ मेरे में नहीं, हर टीचर के केस में होता है कि वहाँ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है एंड पता भी नहीं चलता कब हो गया। सो वो मेरे केस में भी था एंड मैं उसको कट किया, आई डिलीटेड इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता था कि आई हैव टू फोकस नाउ, वरना पॉसिबल नहीं होएगा एंड 6 months अननेसेसरीली वेस्ट होंगे। सो टू एवरीवन जो भी ये देख रहे हैं, अपना शेड्यूल खुद बनाओ, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो जो जब पास हो गए तो वो सारा लगता है कि इट वॉज ऑल वर्थ इट एट द टाइम। इन द जर्नी यू फील लाइक कि शायद मैं बोर हो रहा हूँ, बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं, आई एम मिसिंग समथिंग, बट रिजल्ट आता है सब अच्छा लगता है, कुछ मिस नहीं होता। You are so right. Actually, this last line will motivate students a lot. So yeah, Manik, thank you for coming. और आपको हम लेकर के आते रहेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स पे, जिन पे भी हम बच्चों से पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मानिक से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। वैसे तो मैंने कॉम्प्रहेंसिवली सब कुछ कवर कर लिया, बट आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मानिक से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और मानिक, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक दो दिन तक इन कमेंट सेक्शन पर रिप्लाई कर देना, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मेरी टीम आपको बता देगी, कोई स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन है तो। तो या Sure, दैट्स I'll be glad to help you या and to help everyone जो कि अभी दिसंबर में अटेम्प्ट देंगे। ग्रेट, ठीक ऑल राइट मानिक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर से। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए इंटरमीडिएट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मानिक।